चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर भाजपा विधान पार्षद अशोक अग्रवाल ने इस हत्या पर पुलिस प्रशासन की कार्यकुशलता पर सवाल उठाते हुए बिहार में जंगल राज का माहौल बताया, जबकि इसके जवाब में करारी से जदयू विधायक विजय सिंह ने घटना के दुखद बताते हुए जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की उम्मीद जताई है। विधान पार्षद द्वारा जंगल राज के आरोप पर जदयू विधायक विजय सिंह ने कहा है कि भाजपा किसी भी चीज पर राजनीति करती है। टारगेट किया जा रहा है, जंगल राज टू का आगाज है बिहार में और लगातार जो जनप्रतिनिधियों की हत्या हो रही है, चाहे बलरामपुर हो, सलमारी हो, कदवा हो या फलका हो, आज जिस तरीके से क्लोज में गोली मारी गई है, पुलिस प्रशासन आनंद फानंद उठा के बॉडी को कटिहार ले आए, न परिवार के कोई जन नहीं है उनके साथ में, न कुछ समाज का आदमी है, अल्लाह के लावारिस लाश यहाँ रखी हुई है एक्सरे पोस्टमार्टम के लिए, कोई देखने वाला उसको नहीं है। ये प्रशासन की घोर लापरवाही है और पुलिस प्रशासन कटिहार में जो है फेल्योर है। मुझे लगता है जब से 2 साल का कार्यकाल हमारे पुलिस कप्तान का है, तब से लगातार हत्याओं का जोर जारी है और जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की मांग करते हैं, सरकार को अविलंब इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा करनी चाहिए। सर, कुछ बातें सामने आ रही कि प्रखंड प्रमुख को लेकर के विश्वास अविश्वास का दौर जारी नहीं, वहाँ कोई अविश्वास का दौर जारी नहीं था, वहाँ कोई अविश्वास लगा भी नहीं था। अविश्वास जहाँ लगा है वहाँ के प्रमुख सुरक्षित हैं, जहाँ विश्वास लगाए नहीं वहाँ के प्रमुख पति की हत्या हो गई। मृतक की पहचान कंचन मंडल हैं, प्रमुख पति हैं, फलका के व्यवसायी भी हैं और अच्छे व्यक्ति थे जिनकी हत्या हुई है। क्या हुआ था तो हम देखिए रहे हैं क्या हुआ। इससे पहले कुछ मैंने कोई विवाद वगैरह हुआ था? नहीं, किसी से कोई विवाद नहीं। कब की घटना है? 6:10 का बोल रहे हैं ये सब, हम तो 6:30 तक में पहुंचे थे वहाँ पे। कहाँ थे सर? तब तक लेके हॉस्पिटल चले गए थे, हल्का हॉस्पिटल। मतलब क्या गोला में सर बैठे हुए? हाँ, अपना दुकान पे बैठे, अपना दुकान पे, अपना दुकान है। क्या किसी पर कोई शक वगैरह है आपको? अभी तो किसी पे शक नहीं है। ये जो अविश्वास प्रस्ताव वाला, इस तरह का भी कोई बात आ सकता है? राजनीति में थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन हमारे नजर अभी मेरे खबर में ये सब नहीं आया था कि हाँ अविश्वास होने वाला है, चाहे कुछ ऐसा कुछ नहीं था। या फिर आपसे कोई दूसरा किसी बिजनेस या फिर व्यक्तिगत झगड़ा वगैरह? बिजनेस का तो कोई दुश्मनी नहीं है, होगा अगर हो सकता है तो राजनीति का ही दुश्मनी होगा, बिजनेस में मेरा कोई ऐसा दुश्मनी नहीं है।